तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं उसे कहा जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल मटेरियल्स, आर्टिफिशियल मटेरियल्स, कंपोजिट मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स ये वो मटेरियल्स हैं जो नेचुरली मौजूद होते हैं, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, कीचड़ एक्सेट्रा। ऐसे ही आर्टिफिशियल मटेरियल्स ये वो मटेरियल्स हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे स्टील, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स एक्सेट्रा। कॉम्पोजिट मटेरियल्स ये दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, फॉर एग्जांपल प्लाईवुड, कंक्रीट एक्सेट्रा। बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग मटेरियल आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो है स्टोन्स। स्टोन्स ये कुदरती तौर पर मौजूद बिल्डिंग मटेरियल होते हैं जो कि बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। आजकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बना हुआ है एग्रीगेट्स का कॉन्क्रीट बनाने के लिए। तारीखी इमारतें जो आज भी मौजूद हैं वो सारी की सारी पत्थर की बनी हुई हैं। ये नेचर में हमेशा के लिए मौजूद होते हैं। अगर आप इनका शेप और टेक्सचर बदलेंगे तो इनकी कीमत और बढ़ेगी। ये एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है जिसके बारे में जानना हर सिविल इंजीनियर को ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाले स्टोन्स को तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, जियोलॉजिकल क्लासीफिकेशन, फिजिकल क्लासीफिकेशन, केमिकल क्लासीफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासीफिकेशन, जिस जगह पर ये स्टोन्स बनते हैं उस बुनियाद पर इनको तीन ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स ज़मीन के अंदर वाले हिस्से में टेम्परेचर बहुत हाई होता है जिसकी वजह से बहुत सारे मटेरियल्स आपस में मिलते रहते हैं। इस रॉक मटेरियल को कहते हैं मैग्मा, जो कि ज़मीन में मौजूद दरारों और कमज़ोर इलाकों से निकलकर ज़मीन की ऊपर वाली सरफेस पर जमा होता है। इस मैग्मा के ठंडे होने से जो रॉक बनता है उसे कहते हैं इग्नियस रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल प्लूटोनिक रॉक्स, हाइपरबेसल रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स। नेक्स्ट है सेडिमेंटरी रॉक्स। कई चट्टानों की वेदरिंग होकर वो जमा होते हैं किसी दूसरे रॉक पर। इस तरह से जो रॉक बनते हैं उसे कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। इस वेदरिंग की वजह होती है फ्रोस्ट, रेन, विंड, फ्लोइंग वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के कैरेक्टर में तब्दीली की वजह से ये रॉक्स बनते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पर रॉक्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, फोलिएटेड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये रॉक्स लेयर के फॉर्म में होते हैं, ये लेयर बाय लेयर स्प्लिट होते हैं, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट एक्सेट्रा। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये रॉक्स लेयर बाय लेयर नहीं होते बल्कि क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, ट्रैप, मार्बल एक्सेट्रा। फोलिएटेड रॉक्स, ये वो चट्टानें होती हैं जिनको पतली परतों की शक्ल में निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेस, फाइलाइट, चेस्ट। केमिकल क्लासिफिकेशन, चट्टानों को केमिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नंबर वन सिलिशियस रॉक्स, देन आर्गिलेशियस रॉक्स, देन कैल्केरियस रॉक्स। सिलिशियस रॉक्स, इन चट्टानों का मेन कंटेंट होता है सिलिका, ये हार्ड और ड्यूरेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ट्रैप, सैंडस्टोन्स, क्वार्ट्जाइट, बासाल्ट। आर्गिलेशियस रॉक्स, इन चट्टानों का मेन कंटेंट होता है आर्गिल, मीन्स क्ले, ये हार्ड स्टोन और ड्यूरेबल होते हैं लेकिन ये ब्रिटल भी होते हैं, ये शॉक पर टिक नहीं पाते, एग्जाम्पल स्लेट्स, लैटराइट। कैल्केरियस रॉक्स, इन चट्टानों का मेन कंटेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।